हाय व्यूअर्स, मैं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं साइंटिफिक बायोलॉजी। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में स्पीकिंग मैनोमीटर के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीपी मेजरमेंट बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और आइए देखते हैं इस वीडियो को। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए सबसे पहले कफ को सब्जेक्ट के अपर आर्म पर रैप करते हैं। कफ रैप करते टाइम इस बात का ध्यान रहे कि कफ का जो निचला भाग है वो एंटीकोवाइटल फोसा से लगभग 2 इंच ऊपर हो। अब कफ को 180 मिलीमीटर ऑफ एचडी तक इन्फ्लेट्स करें और स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को ब्राचियल आर्टरी के ऊपर प्लेस करें। इसके बाद कफ के प्रेशर को 2 से 3 मिलीमीटर प्रति सेकेंड से रिलीज करें और स्टेथोस्कोप से ब्लड फ्लो साउंड को सुने। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि इस सब्जेक्ट का सिस्टोलिक प्रेशर 110 और डायस्टोलिक प्रेशर 85 था, क्योंकि जो नॉकिंग साउंड है वो 110 पर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे 85 पर आने के बाद डिसअपियर हो गया, यानी कि सब्जेक्ट का बीपी 110 बाय 85 हुआ। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि बीपी किस तरीके से मेजर करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।